हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी टाइम हो गया है 12, अब हम उठ रहे हैं। तो अभी काढ़ा पियेंगे, खाना खाएंगे, दवाई लेंगे और आज टेस्ट भी करवाएंगे। ओरी ठीक है? और आज मैं ऊपर नहीं जाने वाला स्टूडियो में, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है वहाँ पे, बिना ऐसी के रहा ही नहीं जाता। क्या बना रहे हो? दाल एंड रोटी। तो खाना खाने के बाद हम टेस्ट करवाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पे इंजेक्शन है और ये ट्यूब्स हैं, तो पहले पापा जी का ही करेंगे। तो ये हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। पापा जी का सैंपल तो ले लिया है, लेते इसमें से भाई। तो एक बार टाइफाइड का टेस्ट ले रहे हैं हम, देख रहे हैं कहीं इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, बिकॉज यूजुअली वही होता है ना। पीयूष का तो नहीं करवा रहे ना? नहीं, पीयूष का नहीं करवा रहे, क्योंकि ये ठीक है। टाइफाइड, CVC और CRP तीन टेस्ट होंगे। तो मम्मी जी की बारी है, सभी के सैंपल ले लेते हैं ना। तो अभी सारे सैंपल हॉस्पिटल में दे के आ चुके हैं और आधे घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी। हमारे साथ में हमारे डॉक्टर बैठे हैं। सबसे बढ़िया ये है कि हमको हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ा, हमको कहीं जाना नहीं पड़ा, घर पे अच्छे से हाइजीनिक वे में हाथ धो के अच्छे से सब कुछ हमारा सैंपल ले लिया नवीन ने, अब रिपोर्ट घर पे आ जाएगी। तो गाइस अभी टाइम हो गया 4:12 और अब मेरे को गले में थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, हल्का हल्का सा। सुबह से तो पता नहीं टाइट सा फील हो रहा था। सारे हमारे फ्रूट्स वगैरह भी ख़त्म हो गए थे, तो मैंने पारस भी ऐसे मंगाए हैं। पारस भी दे जाएंगे, कह रहे थे मैं दे जाऊँगा, कोई टेंशन नहीं है। क्या कर रहा है? चल चुपचाप नीचे, चल चल। इतनी फटाफट कर रहे हैं? फटाफट करनी पड़ती है, एक सेकंड में दे गया। तो अपने फ्रूट्स तो आ चुके हैं, पारस भाई भर के फ्रूट्स ले आए थे, तो थैंक्स टू फारस भाई यार, इस सिचुएशन में भी आपने काफी हेल्प की हमारी। जल्दी जल्दी गाड़ी में आया, जल्दी जल्दी सारा सामान दे दिया। सभी पियो एक एक। अब तो गया भाई तू, अब तो गया तू, अब तो गया तू। क्या रे, क्या रे, क्या तेरे को मना किया ना, मत जोड़, समझा लो इसको। ले भाई, बारिश भी स्टार्ट हो गई यहाँ पे। तो मम्मी को नारियल पानी बिल्कुल पसंद नहीं था, आज फर्स्ट टाइम पी रही है, पीना पड़ रहा है मजबूरी में। कौन है भाई, कौन है, कौन है भाई, कौन है भाई? नवीन दी आ गई रिपोर्ट, आ गई। क्या रिपोर्ट आई है बता यार, रिपोर्ट बता जल्दी। भाई ये तो गया आज मेरे हाथ से, थर्ड टाइम जा रहा हूँ मैं ऊपर, तेरे समझ में नहीं आती क्या? एक बार थर्ड टाइम आऊँ मैं, क्या क्या अब क्या, अब क्या मुझे मनाएगा तू? चल चल नीचे, चल नीचे, चल नीचे, बारिश आ रही है इतनी, चल। बस ऊपर जाके पीछे बच्चे खेल रहे हैं ना, उनके ऊपर भोगता रहेगा, भोगता रहेगा। बाय द वे मेरे हाथ में अभी कुछ है, कुछ तो। आज अब फर्स्ट टाइम बीमारी में आईफोन अनबॉक्सिंग देखोगे, और वो भी बारिश में, हल्की हल्की बारिश भी आ रही है। तो चलो, इसके अंदर एक ऐसा आईफोन है जो कि मम्मी जी को चाहिए था, तो ये है रेड कलर में iPhone 11। स्टोर पे तो हमको मिला नहीं है, तो ऑनलाइन मंगवाना पड़ा। रेड कलर तो मस्त है, सच्ची मस्त है यार। पानी की बूंद भी गिर चुकी है। एक्चुअली गाइस सीन ऐसा है, ये मंगवाया है नवीन ने अपने लिए, ठीक है, बट ये कलर फेवरेट मम्मी का है, मम्मी को चाहिए था, आपने देखा होगा, मम्मी को मिला नहीं, तो ये कह रहा है तू मम्मी को दे दे, वो ग्रीन वाला मेरे को दे दे, ऐसे कुछ कह रहा है। बट ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, तू बता भाई। कोई भी दे दे। फोन, फोन। अच्छा, अच्छा रेड वाला हो भाई। फिर मेरे पास तो है, तो क्या हो, ये ले लेना आप। वो नवीन ले लेगा, बता। हाँ कोई बात नहीं, मौज करती भाई। बताओ कौन सा चाहिए? दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। आपको कौन सा चाहिए? रेड। बताओ कौन सा अच्छा लग रहा? दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। आपको कौन सा चाहिए? अरे गिराओगे यार? नहीं गिरेंगे। इधर रखो। ये जी बताओ। आप बताओ, आंटी जी नहीं हो किसे आप बताओ। स्टोर पे तो कह रहे थे रेड रेड रेड, मुझे रेड चाहिए, मुझे रेड चाहिए। रेड आ गया। लो आ गया रेड आपका। क्या तो दोनों रख लो यार। दोनों क्यों रख लो? देखिए दोनों रख लो। पापा जी देख रहे हैं, काश मेरे को मिल जाता है एक। नहीं मैं नहीं, तुम सोच ही नहीं रहा हूं। रहने दो पापा जी, आप तभी तो ऐसे देख रहे हो। कोई भी ले लो, कवर तो लगाना ही है। रेड लोगे? रुको फिर दिखाओ, बता दे दूं मम्मी को, पक्का ना? देख ले। नहीं आंटी जी कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फोन से मतलब है क्या? ये एप्पल वाले भी ना इतना महंगा फोन देते, चार्जर ही नहीं देते। अब मैं अपना चार्जर दे रहा हूँ, एक मेरे पास पड़ा था, इसमें नहीं लगी वो केबल अलग से है, वो गाड़ी में पड़ी। चल थैंक यू ब्रदर। तो मम्मी जी ने खाना बना दिया, खाने में बनी आज खिचड़ी एज यूजुअल। हमारे घर में सबकी तबीयत थोड़ी थोड़ी खराब हो रही है, लेकिन फिर भी मम्मी जी सबके लिए मतलब अच्छे से सारी केयर कर रही है और सबके लिए खाना बना रही है टाइम टाइम पे, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। सुबह भी दिन में भी चाय बनाना सब मम्मी टाइम टाइम पे बना रही है, तबीयत खराब होने के बावजूद भी। खाने के बाद साहिल आज बर्तन साफ कर रहा है। ठीक है मम्मी, अब आप रेस्ट कर लो, ठीक है।
मैं ऊपर जाता हूँ। तो अभी खाना खा के ऊपर आ गया हूँ मैं, टाइम हो गया है 7:38। फिलहाल मैं एडिटिंग करूँगा जैसे तैसे, तबीयत तो खराब बट स्टिल एडिट करके मैं नीचे चला जाऊँगा सोने के लिए। ऊपर तो सोएंगे नहीं बिकॉज हालत ख़राब है, तो अकेले सोना ठीक नहीं है। तो बस फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। और गाइज आप भी प्लीज़ अपना ध्यान रखो, बहुत ही ज़्यादा वायरल फीवर कुछ भी हो रहा है ना तो पूरी फैमिली को, जैसे कि हमको हो गया, तो अपना अच्छे से ध्यान रखो गाइज आप भी। तो बस फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जो आज हमने ब्लड टेस्ट करवाया था उसमें पूरी फैमिली की प्लेटलेट्स कम है और थोड़ा बहुत इन्फेक्शन भी है, वायरल फीवर है। दवाई वगैरह ले रखी है डॉक्टर से, बस उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। और थैंक्स टू नवीन इतनी हेल्प करने के लिए, वो बाहर जाके सारे सैंपल भी ले आया, रिपोर्ट भी ले आया, हमको कहीं जाना नहीं पड़ा। और पारस भाई ने भी इतने सारे फ्रूट्स दे गए थे। फैमिली बीमार है बट हमारे पास में काफ़ी अच्छे लोग हैं जो कि हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच सबको।